अस्सलाम वालेकुम सब। ये है एमएलए मुबीन भाई का घर तोड़ रहे बल जा वाले मस्जिद के पीछे का एमएलए साहब था। ये पूरा इधर कब्जा करे थे, इधर दो तीन घर बने थे, इसमें भी तोड़ दिए खम्भे करंट के उरंट के सब निकाल दिए। सुबह 6 बजे से सब तोड़ के बर्खास्त कर दिए। अब मुबीन भाई के घर को चल रही कुपलिंग हो गए तोड़ दे रहे। लोगों का एक सवाल ये भी है कि उस कॉलोनी के अंदर आपका भी घर था जिसके लिए वहां पे गए हुए। देखिए, मैं जहां पर मेरे को अरेस्ट किया गया ना, तो वहां पे मेरा घर था ना वहां मेरी कोई जमीन है। जहां पर गरीबों के मकानात को बचाना मजलिस क़ियादुल मुस्लिमीन का अव्वलीन मकसद है, क्योंकि हमारा ये कहना है कि आप चाहे वो कहीं से भी उन्हें लिया होगा, उस लेने वाले को ये नहीं मालूम है कि FTL की जमीन है या गवर्नमेंट की लैंड है। बेचने वाले बेचे, लेकिन पैसे देकर तो उन्हें तो खरीदा है, तो लिहाजा हमारा काम है कि हम बचाना। तो हमने वहां पर पहुंचे, हमको वहीं से अरेस्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के एमएलए का स्टेटमेंट सुन रहा था मैं। वो कह रहे थे गरीबों के घर डिमोलिश हो रहे तो उसको बचाने गए, तो मैं उनको कहूँगा अमीर लैंड ग्रैबर्स जो रुकनुद्दीन दौला की ज़मीन पर कब्जे कर इलीगल वेंचर्स करे, वहाँ पर कई कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, तो वहाँ पर ज़मीन 50,000 रुपये गज है, तो गरीब वहाँ पर भी ज़मीन लेंगे। आप कहीं को इतनी झूठ बोल रहे मुबीन भाई? आपके घर की वीडियो आ गई मेरे पास, जो मस्जिद के पीछे आप बनाए थे घर, आप उसको बचाने गए थे बोलो ना, इसलिए पुलिस वाले आपको घसीट लेते हुए कॉलर पकड़ कर वैन में डाल कर लेकर गए, केस भी बुक कर दिए। इतना जलील और रसुवा हो गए अभी, फिर भी झूठ बोलना नहीं छोड़े। गरीब भी अब वो ज़मीन पे अपना घर बनाएगा 50,000 रुपये घर से ज़मीन लेकर, शर्म करो आप। सबको अच्छे से पता है आपके कितने घर थे वहाँ पर, XMLA मोहम्मद मौजम खान के दामाद मनन खान के कितने घर थे, किंग्स ग्रुप वालों के, मिर्ज़ा रहमत बेग के, सबको अच्छे से पता है। बस बेवकूफ़ वो लोग है जो यहाँ पर ज़मीन खरीदे रुकनुद्दीन दौला की ज़मीन पर, और आप बोल रहे यूपी की गवर्नमेंट योगी में और तेलंगाना गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके सदर का जो घर है ना शास्त्रीपुरम में, वो पैलेस भी डिमोलिश हो जाता था अगर रेवंत रेड्डी अन्ना वैसे रहते तो। आप अपने मफाद के लिए जीने वाले, मुसलमानों को गुमराह कर रहे, गरीबों का सहारा लेकर अमीर बनने वाले, आप भादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं, यहाँ पर बारिश में गरीबों के घर गिर जा रहे, घर तबाह हो जा रहे, इसकी परवाह नहीं है आपको। लेकिन राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप गरीबों का घर बचाने जा रहे, आपका घर बचाने जा रहे बोलो आप? मस्जिद का सहारा लेकर मस्जिद के पीछे बनाए थे आप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर तो ता क़यामत तक सलामत रहेगा और वो हमेशा बचा हुआ रहेगा, लेकिन आपका घर तो तबाह हो गया जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करे थे आप। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बार बार बोल रहा हूँ, संभल कर रहो, सुकून से रहो, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है यानी तुम्हारे अब्बा की गवर्नमेंट है, संभल कर रहो। और सैल्यूट है अमजदुल्ला खान साहब को, और हैदराबाद से जो कॉन्टेस्ट करे थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लुबना सरवर,